तो यार गाइस हम लोग आ चुके हैं थिनोसोरस के कैसल के अंदर और थिनोसोरस तो बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं यार। चौपिया खतरनाक को छोड़ यहाँ पे तू देख रहा है कितनी ज्यादा दीवारें लगी हुई हैं और हम चार चार दीवारें यार। चौपिया इस वाली दीवार के अंदर तो गेट ही नहीं है, हम लोग अंदर कैसे जाएंगे? और हम लगता है उड़ के जाना पड़ेगा यार। चौपिया उड़ के तो हम लोग चले जाएंगे, मगर पहले हम लोगों ने देखना है यहाँ पे इन लोग की आर्मी कौन सी है। तो यार गाइस ये आप लोग देख रहे हो कि कितने ज्यादा क्यूट थिनोसोरस यहाँ पे खड़े हैं। अरे हम इनके सामने जाओगे तो बताएंगे आपको यार। चौपिया इनको मारने का मुझे बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा। तू देख रहा है ये लोग व्हाइट थिनोसोरस है और थिनोसोरस तो मैंने पहली दफा देखा है और ये लोग दिखने में बहुत ज्यादा क्यूट हैं। चौप यार मैं तो इन लोग को नहीं मारूंगा और हम आप नहीं मारोगे तो ये हम लोग को मार देंगे यार। हाँ वैसे यार चौप ये भी है, अपनी जान बचाने के लिए तो हम लोग को इनको मारना ही होगा। मगर यार चौप एक सेकंड, यहाँ पे तू देख रहे लाइटनिंग गन लगी हुई है और व्हाइट थिनोसोरस यहाँ पे व्हाइट लाइटनिंग गन निकालेगा यार। चौप यार वाकई में ये लोग यहाँ पे दो खड़े में और ये लोग बॉडी गार्ड्स हैं, बॉडी गार्ड्स के पास काफी ज्यादा पावर्स होती हैं। हम लोग यहाँ पे इस वाले टावर में देखते हैं कौन है और हम यहाँ पे भी बॉडी गार्ड है यार। चौप यार बॉडी गार्ड तो है मगर साथ में यहाँ पे मशीन गन्स को भी लगा रखा है। सिक्योरिटी तो इन लोग की बहुत ज्यादा टाइट है क्योंकि यार गाइस आप लोग देख रहे हो यहाँ पे चार चार दीवारें, दो व्हाइट कलर के बॉडीगार्ड्स, दो मशीन गन वाले बॉडीगार्ड्स और यार गाइस छत पे भी यहाँ पे बॉडीगार्ड खड़े हैं। और हमें पता नहीं बहुत ज्यादा खतरनाक है, हमें निकलते हैं यार। अबे नहीं नहीं चौप निकलेंगे नहीं, हम लोग इनको मारेंगे चौप। और मगर ये लोग तो चील कवे लग रहे हैं यार। चौप यार दिखने में तो वाकई में चील लग रही है मगर यार चौप पता नहीं इसके पास पावर्स कितनी होगी। और इसके तो पर भी चमक रहे हैं यार। चौप यार इसके पर भी चमकेंगे और इसको हम लोग मारेंगे भी। तो यार इस वाले टावर के अंदर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे भी एक थिनोसोरस खड़ा है जो ज्यादा है। तो यार गाइस यहाँ पे बचेगा नहीं। चौपिया तू सारी की सारी गन्स को तो लेकर आ गया ना। अरे हमें एक मसला हो गया यार। चौप यार ये मत बोलना कि गन्स को नहीं लेकर आया। अरे हमें कैसे बोलूं, बोलने में शर्म आ रही है यार। अबे यार चौप गन्स को नहीं लेकर आया। अरे हमें गन्स लेकर आना भूल गया हूं यार। अबे यार चौप ये कैसे कर दिया तूने? हम लोग यहाँ पे थिनोसोरस के कैसल के बाहर आ चुके हैं चौप, हम लोग के पास यहाँ पर गन्स भी नहीं है। तो यार गाइस मुझे आप लोग का सपोर्ट चाहिए होगा, जल्दी से हम लोग के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर दो, उससे यार गाइस मुझे यहाँ पे पावर मिलेगी और हम लोग बिना गन के यार गाइस यहाँ पे सारे के सारे कैसल को कॉन्कर करने वाले हैं। तो अभी यहाँ पे टाइम आ चुका है अंदर जाने का। तो यार गाइस जी आप लोग देख रहे हो कि अंदर भी यहाँ पे बॉडीगार्ड्स हैं और इनके ऊपर तो यार गाइस हार्पून लगे हुए हैं। अरे हमें पता नहीं कितने ज्यादा थिनोसोरस हैं यार। चौप यार मरेंगे, पक्का मरेंगे, तूने बिल्कुल भी यहाँ पे टेंशन नहीं लेनी। हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो यार चौप ये कौन है बीच में? और हमें लगता है इन लोग का दादाजी है यार। तो यार चौप वाकई में ये तो कुछ ज्यादा ही बुरा है। और हमें लगता है बाकी के थिनोसोरस इससे क्लासेस दे रहे हैं यार। चौप यार पता नहीं क्लासेस दे रहे हैं यहाँ पे कोई लेक्चर चल रहा है, मगर यार चौप इसके पास पता नहीं कितनी पावर्स होंगी। और हमें पता नहीं कितनी पावर्स होंगी, हमें इसका मुंह देखो यार। चौप यार इसके मुंह को मैं क्या देखूं, इसके मुंह से तो दांत निकल रहे हैं। इसकी बैक साइड पे भी यार गाइस यहाँ पे बोन स्पाइक लगे हुए हैं, इसकी टेल यहाँ पे रेड कलर की है, बाकी पूरी की पूरी बॉडी के ऊपर आर्मर्स को लगाया हुआ है। और हम निकलते हैं यार, कहाँ निकलते हैं चौप? और हम घर चलते हैं यार। अबे चौप घर नहीं जाएंगे हम लोग, तो देख रहे हैं यहाँ पे भी एक आंख को लगाया हुआ है, यहाँ पे भी एक आंख है, यहाँ पे भी एक आंख है और गाइस यहाँ पे भी एक आंख है। और हम चार आंखों वाला थिनोसोरस कभी नहीं देखा यार। चौप यार इसके पांव तू देख रहे कितने ज्यादा खतरनाक है, पांव की बैक साइड के अंदर से भी यार गाइस यहाँ पे बोन स्पाइक निकला हुआ है। ये तो कुछ ज्यादा ही भयानक लग रहा है। हम लोग के पास यार गाइस यहाँ पर गन्स भी नहीं है। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे और कौन कौन सी आर्मी है। और हम यहाँ पे तो बहुत ज्यादा थिनोसोरस हैं यार। अबे यार चौप लगता है कि ये लोग यहाँ पे पेड़ को खा रहे हैं, ये लोग तो बहुत ज्यादा बिजी हैं यहाँ पर, बचेंगे तो यार गाइस ये लोग भी नहीं और दो थिनोसोरस यहाँ पे खड़े हुए हैं। ज्यादा दिक्कत तो यार गाइस हम लोग को यहाँ पर नहीं होगी क्योंकि हम लोग के पास यहाँ पे काफी ज्यादा जगह पड़ी हुई है। तो मैं काम करता हूँ कि थिनोसोरस को मारने के लिए हम लोग यार गाइस यहाँ पे खड़े करेंगे अपने स्पाइनोसोरस को, अपने तीन स्पाइनोसोरस को हम लोग खड़ा करेंगे यहाँ पर, इनके बीच में हम लोग खड़े करेंगे अपने एलोसोरस को और अब कार्निवल डायनासोर वर्सेस हर्बीवोर डायनासोर हो जाएगा यार। हाँ यार चौप यही तो मैं करना चाहता हूँ, मगर यार चौप हम लोगों ने यहाँ पे टीरेक्स को भी खड़ा करना है क्योंकि अगर टीरेक्स मेरा फेवरेट है, मुझे लगता है कि अगर टीरेक्स यहाँ पे कुछ ना कुछ कर लेंगे। और मैं तो बोलता हूँ सारे के सारे कार्निवल डायनासोर की टीम खड़ी कर देते हैं यार। ठीक है चौप मैं भी यही कर रहा हूँ, सारे के सारे कार्निवल डायनासोर हम लोग यहाँ पे खड़े करेंगे। 50 यूनिट्स हम लोग के यहाँ पे कम्प्लीट हो चुके हैं और बैटल यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है और हमें बहुत ज्यादा गोलियां लग रही है यार। यार चौप एक एक गोली से हम लोग के यूनिट्स यहाँ पे मर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि अगर थिनोसोरस यहाँ पे बहुत ज्यादा अपग्रेड हुए हैं, मगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं हम लोग के भी यार गाइस यहाँ पे काफी ज्यादा डायनासोर्स हैं। ज्यादा दिक्कत तो यहाँ पर होगी नहीं और जब तक ये वाला यूनिट यहाँ पे नहीं मरेगा बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है यार। हाँ वैसे यार चौप इन लोग के ऊपर मशीन गन्स लगी हुई है, हम लोग के यूनिट तो यार गाइस यहाँ पे दीवारों में ही फंसे हुए हैं। व्हाइट वाला थिनोसोरस यार गाइस यहाँ पे मरने वाला है, साथ में यहाँ पे बूढ़ा थिनोसोरस भी बाहर आ चुका है। हम लोग की आर्मी को यार गाइस यहाँ पे जीतना पड़ेगा। फ्लाइंग थिनोसोरस भी यहाँ पे आ चुका है, मगर ये व्हाइट वाला थिनोसोरस तो कुछ ज्यादा खतरनाक है। आप लोग देखो मुंह से लाइटनिंग गन को निकाल रहा है और हम लोग की आर्मी लगता है सारी की सारी मर चुकी है यार। अबे नहीं चौप अभी तक हम लोग की आर्मी यहाँ पे जिंदा है, मगर यार चौप इन लोग के यूनिट तो बहुत ज्यादा अपग्रेड हुए हैं। अरे हमें अच्छा भला ये लोग यहाँ पे अंदर अपनी क्लासेस ले रहे थे, आप लोगों ने इनको तंग क्यों किया यार? चौप यार मुझे क्या पता था कि ये लोग इतने ज्यादा खतरनाक होंगे। और हम आप तो बोलते हैं व्हाइट वाला थिनोसोरस बहुत ज्यादा क्यूट है, मगर हमें सारे की सारी आर्मी को मार दिया यार। कोई बात नहीं चौप, मेरे पास यहाँ पर एक और प्लान है और गाइस मेरा प्लान ये है कि मैं यहाँ पे खड़े करने वाला हूँ अपने सिर्फ और सिर्फ गोरो की आर्मी को, क्योंकि गाइस गोरो के पास काफी ज्यादा पावर होती है। तो मैं काम करता हूँ कि यहाँ पे खड़े करता हूँ अपने 20 गोरोस को। गोरोस की आर्मी गाइस यहाँ पे आ चुकी है, अभी तो गाइस ये वाला थिनोसोरस यहाँ पे बचेंगे नहीं, अभी
यहाँ पे पहले दीवार के टूटने की बारी आएगा, पहले दीवार यहाँ पे टूट चुकी है, दरवाजे भी यहाँ पे खुल गए हैं। ये वाला फ्लाइंग थिनोसोरस अपनी दीवार के अंदर ही फंस चुका है, पता नहीं ये लोग यहाँ पे क्या ही कर रहे हैं। मगर आकाश हम लोग के गोरो ने यहाँ पे रास्ता बना लिया है, मैं यहाँ पे जाके देखता हूँ तो आकाश दादाजी यहाँ पे बाहर आ गया। ये वाला थिनोसोरस बहुत ज्यादा खतरनाक है, हम लोग को इसको मारना ही होगा। हम लोग का एक अकेला गोरो आकाश यहाँ पे इतने ज्यादा यूनिट्स को मार रहा है, आराम गोरो मर गया यार, कोई बात नहीं। चौब अभी तो हम लोग का एक गोरो यहाँ पे मर रहा है ना, बाकी भी हम लोग काफी ज्यादा गोरो यहाँ पे जिंदा है। मगर आकाश इसको हम लोग कैसे मारेंगे? और हम इसको मारने के लिए हम लोग को भी यहाँ पे मशीन गन को लगाना होगा यार। हाँ वैसे अचौप मुझे भी ये लगता है, क्योंकि अचौप इन वाली मशीन गन्स के पास काफी ज्यादा पावर्स हैं, ऐसे तो अचौप हम लोग नहीं जीत पाएंगे। और हम ऐसे नहीं जीतेंगे तो कैसे जीतेंगे यार? चौप यार हम लोग यहाँ पे जीतेंगे अपनी प्लानिंग के साथ। अरे यार हमें भैया आपके पास कोई प्लान है क्या? अरे यार सिंचन मेरे पास ढेर सारे प्लान है। तो यार सबसे पहले तो हम लोग थिनोसोरस को यहाँ पे मार रहे हैं, तो मैं काम करता हूँ कि यहाँ पे खड़े करता हूँ अपने दो ब्रांचेसोरस को, और इन लोग के मुंह के ऊपर मुझे यहाँ पे लगानी होगी ढेर सारी मशीन गन, और इसके ऊपर भी आगे मैं मशीन गन को लगा देता हूँ। इससे ये होगा कि ये वाला थिनोसोरस यहाँ पे मर जाएगा। और मगर पता नहीं कितने ज्यादा अपग्रेड हुए होंगे यार। हाँ वैसे यार चौप ये तो मुझे नहीं मालूम, मगर यार चौप ये पक्का मरेंगे यहाँ पर। तू देख रहा है मैंने कितनी ज्यादा मशीन गन्स को यहाँ पे लगा दिया है, अभी तो यार चौप ये वाले यूनिट्स यहाँ पे मर जाएंगे। मगर अभी अंदर भी यहाँ पे काफी ज्यादा आर्मी खड़ी हुई है, तो मैं काम करता हूँ कि सबसे पीछे आएगा मुझे यहाँ पे खड़े करने होंगे अपने रॉकेट एलिफेंट, गेट के सामने मैं खड़े करूंगा अपने स्कॉर्च को, इनके पीछे मैं खड़े करूंगा तीन कॉजर ऑफ डीमन को, और साथ में हम लोग यहाँ पे ऑगर लॉर्ड को भी खड़ा कर देते हैं। और हमें आर्मी बहुत ज्यादा खतरनाक लग रही है, लगता है कि जीत जाएंगे यार। हाँ यार चौप ये वाली मशीन गन्स तू देख रहा है बहुत ज्यादा ओपी काम कर रही है। ये बात थिनोसोरस एक सेकंड के अंदर अंदर यहाँ पे मर चुका है। तो यार चौप अभी तो हम लोग यहाँ पे पक्का जीतेंगे ना, और हमें लगता है कि अभी हम लोग पक्का जीतेंगे यार। हाँ यार चौप अभी तो हम लोग को जीतना ही पड़ेगा, क्योंकि हम लोग के ब्रांचेसोरस यहाँ पे आ चुके हैं, और ब्रांचेसोरस के पास यहाँ पे काफी ज्यादा पावर होती है। अभी तो यहाँ पे कोई भी नहीं बचेगा, ये छोटे मोटे यूनिट्स यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और हम लोग का ब्रांचेसोरस एक मर गया यार, कोई बात है चौप अभी भी काफी ज्यादा यहाँ पे जिंदा है, और हम एक यहाँ पे भी मर गया यार। तो यार चौप ये कैसे हो सकता है? और पता नहीं कितने ज्यादा अपग्रेड हुए हैं यार। तो यार गाइस हम लोग का अकेला ब्रांचेसोरस यहाँ पे लड़ाई कर रहा है, यहाँ पे एक फ्लाइंग थिनोसोरस है और दो यहाँ पे नॉर्मल थिनोसोरस है। देखते हैं क्या गाइस हम लोग का ब्रांचेसोरस यहाँ पे जीता है या ये वाला थिनोसोरस यहाँ पे जीते हैं। और हम लोग के ब्रांचेसोरस की मशीन गन काम नहीं कर रही यार। हाँ ना यार चौप हम लोग का ब्रांचेसोरस लगता है यहाँ पे मर चुका है, इसके बस की यहाँ पे बात नहीं है। हम लोग यहाँ पे जाके देखते हैं हम लोग का स्कॉच क्या कर रहे हैं। और हम स्कॉच यहाँ पे मर गए यार। यार चौप ये मैं क्या देख रहा हूँ, इतने ज्यादा खतरनाक कैसे हो सकते हैं? और हम थिनोसोरस का कैसर बहुत ज्यादा खतरनाक है यार। अबे यार चौप वाकई में ये तो कुछ ज्यादा खतरनाक निकले। मगर गाइस ये लोग यहाँ पे अभी बचेंगे नहीं, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर अभी बहुत ही ज्यादा ओपी प्लान आ चुका है। मैं यहाँ पे खड़े करूंगा अपने प्रोसेसोरस को, साथ में गाइस मैं यहाँ पे खड़े करूंगा टाइटनोबोआ को, और इनके बीच में हम लोग खड़े करेंगे अपने मैक्सिमोसोरस को, और हम सारे के सारे रेप्टाइल की आर्मी है यार। हाँ यार चौप मुझे तो लगता है कि हम लोग के रेप्टाइल्स यहाँ पे कुछ ना कुछ कर लेंगे। साथ में गाइस मुझे इन लोग के ऊपर विंग्स को भी लगाना होगा, प्रोसेसोरस का वेट काफी ज्यादा होता है, तो मुझे यार गाइस यहाँ पे दो दो विंग्स को लगाना होगा। और हमें लगता है कि हम लोग के प्रोसेसोरस यहाँ पे हवा में उड़ेंगे यार। हाँ यार चौप हम लोग के प्रोसेसोरस भी यहाँ पे हवा में उड़ेंगे, और इतना यार चौप काफी नहीं रहेगा, मैं इन लोग के ऊपर वेपन्स को भी लगाने वाला हूँ। अरे हाँ फिर तो हम लोग पक्का जीतेंगे यार। हाँ यार चौप अभी तो हम लोग को जीतना पड़ेगा, क्योंकि यार चौप अभी यहाँ पे हारने का चांस नहीं है। तो यार गाइस दो हाथ हम लोगों ने इसके ऊपर लगा दिए, दो मुक्के हम लोग इसके ऊपर लगाएंगे, दो मुक्के हम लोग लगाएंगे अपने इस वाले प्रोसेसोरस के ऊपर। अरे हम मुक्के मारेंगे यार। हाँ यार चौप मुक्के ये लोग मारेंगे। प्रोसेसोरस हम लोग यहाँ पे रेडी हो चुके हैं, मगर लगा देते हैं तो यहाँ पे काफी रहेगा नहीं। तो मैं काम करता हूँ कि इनके ऊपर आकाश में लगा तो हार्पून को। और ये तो बहुत ज्यादा ओपी प्लान है यार। हाँ यार चौप हम लोग के प्रोसेसोरस यहाँ पे हवा में उड़ेंगे, साथ में ये वाले हार्पून यूनिट्स को खींच के अपनी तरफ लेकर आएंगे, बाकी काम तो यार चौप ये वाले मुक्के कर लेंगे। मगर यार चौप इतना फिर भी काफी नहीं रहेगा, तो मैं इन लोग के ऊपर वेपन्स को भी लगाऊंगा। और मगर वेपन कौन सा लगाएंगे यार? चौप यार रॉकेट लॉन्चर को लगाएंगे, और रॉकेट लॉन्चर तो बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। अभी तो हम लोग पक्का जीतेंगे यार। चौप यार अभी तो हम लोग को जीतना पड़ेगा, क्योंकि और हम लोग के पास यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो गाइस बैटल यहाँ पे शुरू हो चुका है, हम लोग के प्रोसेसोरस गाइस यहाँ पे हवा में उड़े हैं। आप लोग देख रहे हो यार गाइस ये क्या हो गया, और हम प्रोसेसोरस यहाँ पे मर गए यार। अबे यार चौप इतना जल्दी कैसे मर सकते हैं? मगर गाइस ये वाला प्रोसेसोरस यहाँ पे अभी तक जिंदा है, इसके हार्पून भी यहाँ पे बहुत ज्यादा ओपी काम कर रहे हैं, और हम फ्लाइंग प्रोसेसोरस पहली दफा देख रहा हूँ यार। हाँ वैसे यार चौप बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा है, लगता है यार गाइस ये पक्का जीतेगा यहाँ पर। टाइटन वो भी यार गाइस यहाँ पे अंदर जा चुकी है, मगर गाइस मुझे नहीं पता था कि थिनोसोरस के पास इतनी ज्यादा पावर्स होंगी। हम लोग के रॉकेट लॉन्चर्स भी यहाँ पे फेल हो चुके हैं, और गाइस अभी अकेला मैक्सिमोसोरस यहाँ पे क्या ही कर लेगा। और हमें बहुत ज्यादा खतरनाक आर्मी, और हमें कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा यार। चौप यार मैं यहाँ पे देखता हूँ कि इन लोग के यूनिट्स कितने मरे हैं। तो गाइस यहाँ पे व्हाइट फायर थिनोसोरस भी जिंदा है, और इन लोग का बूढ़ा थिनोसोरस भी यहाँ पे जिंदा है। और गाइस हम लोग यहाँ पे हार चुके हैं, और हमें सारे के सारे प्लान यहाँ पे फेल हो रहे हैं यार। चौप यार तेरे पास कोई प्लान है क्या? और मैं तो बोलता हूँ यार हम लोग अपने हाइड्रा को खड़ा करते हैं यार। हाँ यार चौप मगर सिर्फ हाइड्रा नहीं, हम लोग यार चौप यहाँ पे अपने ड्रैगन को भी तो खड़ा कर सकते हैं। अरे हम ड्रैगन बहुत ज्यादा ओपी फाइट करते हैं यार। हाँ वैसे यार चौप यहाँ पे इन वाला यूनिट्स को भी हम लोग ने मार रहे हैं। तो गाइस मैं ऐसा करता हूँ कि अपने हाइड्रा के ऊपर गाइस मुझे यहाँ पे लगानी होगी मशीन गन्स, चार मशीन गन्स इसके ऊपर लगाएंगे हम लोग, चार मशीन गन्स को हम लोग लगाएंगे इसके ऊपर, और गाइस चार मशीन गन्स हम लोग लगाने वाले हैं अपने इस वाले हाइड्रा के ऊपर, और
चार मशीन गन्स हम लोग लगाएंगे अपने इस वाले हाइड्रा के ऊपर। अभी तो लगता है कि हम लोग यहाँ पे जीतेंगे। ड्रैगन के ऊपर मुझे यहाँ पे रॉकेट लॉन्चर को लगाना चाहिए। आर्मी तो हम लोग की बहुत ज्यादा खतरनाक है, अभी इन लोग को जीतना चाहिए। ड्रैगन के पास बहुत ज्यादा पावर होती है, देखते हैं हम लोग के हाइड्रा इनको मार पाते हैं कि नहीं। तो ये वाले थिनोसोरस यहाँ पे मर गए, ये वाला थिनोसोरस यहाँ पे अभी तक जिंदा है, मगर ये भी यहाँ पे नहीं बचेगा क्योंकि हम लोग के ड्रैगन यहाँ पे आ चुके हैं। ड्रैगन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो ये वाला थिनोसोरस हो नहीं सकते। ये वाले व्हाइट वाइट थिनोसोरस अभी तक मर नहीं रहे, पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है यहाँ पर। और हमें इसके मुंह से लाइटनिंग गन निकल रही है यार। हाँ यार चौप, इसके मुंह से काफी ज्यादा लाइटनिंग गन निकल रही है। और ये मैं क्या देख रहा हूँ, ड्रैगन भी यहाँ पे मर गए। और हमें वापस चलते हैं यार। अबे यार चौप, एक तो यहाँ पे गन नहीं लेकर आया ना। अगर तो आकाश हम लोग के पास यहाँ पर गन्स होती फिर हम लोग को यहाँ पे ज्यादा दिक्कत नहीं होती, मगर आकाश चौप यहाँ पे गन को तो लेकर आया ही नहीं है। तो अभी तो हम लोग को खुद ही कुछ ना कुछ करना होगा। तो आकाश मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे खड़े करता हूँ दो टीरेक्स को मैं खड़ा करता हूँ यहाँ पर। बीच में हम लोग खड़े करेंगे अपने एचएलएस की आर्मी को, क्योंकि आकाश इन लोग के पास भी काफी ज्यादा पावर्स होती है। और साथ में आकाश हम लोग यहाँ पे खड़े करेंगे अपने ब्रासोस को। अभी तो हम लोग को जीतना पड़ेगा। और बहुत ज्यादा ओपी वेपन लगाना यार। हाँ यार चौप, अभी मैं बहुत ज्यादा ओपी वेपन को लगाऊंगा। काफी ज्यादा मशीन गन्स मैंने यहाँ पे लगा दी है। अब अपने इस वाले ब्रासोस की बारी है। तो मैं सोच रहा था कि इसके सर के ऊपर जाकर इस प्लाज्मा कैनन को लगा दूं। और प्लाज्मा कैनन के पास भी बहुत ज्यादा पावर होती है, लगता है कि अभी हम लोग जीतेंगे यार। चौप यार अभी हम लोग को जीतना पड़ेगा, और हम लोग के पास यहाँ पे कोई भी चांस नहीं है। अपने एचएलएस के ऊपर जाकर हम लोग लगाएंगे लाइटनिंग गन्स को। और यार मुझे वाकई में लगता है कि अभी हम लोग जीतेंगे यार। चौप यार ये हम लोग के पास लास्ट चांस है। अगर तो अभी हम लोग जीत गए ना फिर बहुत ज्यादा ओपी हो जाएगा, मगर यार चौप अगर हम लोग यहाँ पे हार गए तो फिर यार चौप हम लोग को यहाँ पे वापस जाना होगा। और वापस नहीं जाएंगे यार। चौप यार तो मेरी गन्स को लेकर आ जाता ना। एक तो तू मेरी गन्स को यहाँ पे भूल गया है, ऊपर से बोल रहा है कि हम लोग यहाँ पे वापस भी नहीं जाएंगे। अरे हमें पूरा विश्वास है अपनी आर्मी में, पक्का जीतेंगे यार। चौप यार लगता तो मुझे भी ये। तो यार गाइस बैटल यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। हम लोग की आर्मी को तो यार गाइस यहाँ पे जीतना ही पड़ेगा। लाइटनिंग गन यहाँ पे बहुत ज्यादा ओपी फाइट कर रही है। हम लोग के ब्रासोस भी यहाँ पे जिंदा है। थोड़े से एचएलएस हम लोग के यहाँ पे मर चुके हैं, मगर यार गाइस दिक्कत की बात नहीं है क्योंकि अभी भी हम लोग के ब्रासोस यहाँ पे जिंदा है। और ब्रासोस के ऊपर हम लोगों ने यहाँ पे प्लाज्मा कैनन को लगाया हुआ है। और हमें लगता है कि प्लाज्मा कैनन यहाँ पे कुछ ना कुछ कर लेगा यार। चौप यार करना ही पड़ेगा, ये हम लोग के पास यार चौप यहाँ पे लास्ट चांस है। अभी हम लोग को यहाँ पे जीतना पड़ेगा चौप। और अभी हम लोग को जीतना पड़ेगा यार। चौप यार तू देख रहा है कि ये वाला व्हाइट थिनोसोरस यहाँ पे मर चुका है। अभी तो यार चौप हम लोग यहाँ पे पक्का जीतेंगे। और हमें बहुत ज्यादा खुशी हो रही है यार। हाँ यार चौप अगर तो हम लोग यहाँ पे जीत गए ना तो ये वाला कैसल मैं तुझे गिफ्ट कर दूंगा। अरे हमारा दादाजी कहाँ पर है यार। चौप यार लगता है कि मर गया। और गाइस फाइनली यहाँ पे इन लोग का बॉस यूनिट तो मर चुका है, मगर अभी भी हम लोग यहाँ पे जीते नहीं है क्योंकि यार गाइस ये वाला थिनोसोरस यहाँ पे अभी तक जिंदा है। मगर अब ये लोग यहाँ पे क्या ही कर लेंगे, हम लोग का अकेला एचएलएस यार गाइस इन लोग को मार देगा। प्लाज्मा कैनन के पास यार गाइस बहुत ज्यादा पावर है, ये लोग यहाँ पे बच के भागने की कोशिश कर रहे हैं, मगर गाइस हम लोग के एचएलएस ने यहाँ पे आके इन लोग को पकड़ लिया है। अभी तो यार गाइस ये लोग यहाँ पे कुछ भी नहीं करेंगे और सारे की सारी आर्मी यहाँ पे मर चुकी है। और ये वाला कैसल मेरा हो गया यार। हाँ यार चौप ये वाला कैसल मैं तुझे गिफ्ट करता हूँ। तो यार गाइस आई होप कि आपको ये वाला गेम प्ले पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैसेजर चौप आपसे मिलते हैं एक और गेम प्ले के अंदर। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।